पर स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। जन समर्थन की शक्ति के बल पर जनता के हकों की लड़ाई वो पूर्ण रूप से विधानसभा में लड़ेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बढ़ोतरी करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत पुगथला, खुबडू, गुमड, सुमित दर्जनों गाँवों से की है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जनता को विकास पसंद है। देखिए, हमारा पहला जो कार्यक्रम रहता है लगभग 8:30 बजे शुरू हो जाता है। अभी हम पुगथला गांव में हमारा तीसरा कार्यक्रम है। ये बड़ी सभा थी हमारी और डेली छोटी बड़ी मिला के हम लगभग 2 दर्जन सभाएं करते हैं हर जगह से। क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, क्या हमारी मातृशक्ति बढ़ चढ़कर अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है गन्नौर हल्के का जो परिणाम आएगा वो हरियाणा में सबसे अव्वल होगा। सबसे बड़ी जीत हरियाणा की गन्नौर हल्के की होने वाली है। गन्नौर के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है युवाओं के लिए है, जो हमारे युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। इनको रास्ते पे लगाना, इनको रोजगार के रास्ते पे, चाहे कोई प्राइवेट क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, लघु उद्योग हो, सबसे पहले इनको ट्रैक पे लगाना, रास्ते पे चढ़ाना है।